नाउ आर एडिटोरियल डेडिकेटेड फैक्स मशीन एंड फैक्स मॉडेम, ये टाइप्स है हमारे पास टाइप्स ऑफ फैक्स मशीन की। डेडिकेटेड फैक्स मशीन के बारे में लर्न कर लेते हैं। इट कैन नॉर्मली फैक्स मशीन, हमारे पास नॉर्मल सी फैक्स मशीन होती है, एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू अनदर फैक्स मशीन, ये इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए इस्तेमाल होती है किनको, जो हमारी दूसरी फैक्स मशीन होती हैं उनको सेंड करने के लिए ये यूज़ होती है। और ये इंफॉर्मेशन सेंड करने में भी और रिसीव करने में भी, दूसरी फैक्स मशीन के से रिसीव करने के लिए भी डेडिकेटेड फैक्स मशीन जो है वो यूज़ होती है। यानी कि डेडिकेटेड फैक्स मशीन के दो ही आ जाते हैं हमारे पास, एक तो ये इंफॉर्मेशन सेंड करती है, दूसरा ये रिसीव करती है, तो हम इसको कह सकते हैं दैट इज़ डेडिकेटेड फैक्स मशीन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्स मॉडेम। ये हमारे पास सर्किट बोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट, हमारा जो सिस्टम यूनिट होता है उसमें सर्किट बोर्ड का जो एक एरिया सा होता है, लाइक हमारा जैसे कि सीपीयू है उसका भी सर्किट बोर्ड होता है, तो उसके अंदर सर्किट जो बोर्ड है उसको हम फैक्स मॉडेम कह सकते हैं। ठीक है, इट कैन सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन टू एन फ्रॉम एनी अदर कंप्यूटर। यानी कि डेडिकेटेड फैक्स मशीन क्या था हमारे पास, ये दूसरी फैक्स मशीन से इंफॉर्मेशन सेंड एंड रिसीविंग का काम करता था। लाइक जो हमारे पास फैक्स मॉडेम है, ये हमारे पास कंप्यूटर से जो दूसरे कंप्यूटर्स होते हैं उनसे सेंड एंड रिसीव दोनों का काम करता है। इट कैन आल्सो सेंड इन्फॉर्मेशन टू अ फैक्स मशीन, जो डेडिकेटेड फैक्स मशीन था वो क्या करता था, वो सिर्फ फैक्स मशीन से ही इंफॉर्मेशन सेंड भी करता था रिसीव भी करता था। लेकिन फैक्स मॉडेम ये कंप्यूटर की भी इंफॉर्मेशन सेंड एंड रिसीव करता है और फैक्स मशीन की भी सेंड एंड रिसीव करता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था फैक्स मॉडेम की टाइप के बारे में। अगले टॉपिक में हम लोग इमेजिंग फंक्शन, इमेजिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो के लिए। खुदा हाफिज़।